हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप एक लॉन्गर और हेल्दी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो बीमारियां हो रही हैं, आज जो मैक्सिमम ऑफ द डिजीज फैल रही हैं, वो किसकी वजह से फैल रही हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी बैड हैबिट्स की वजह से। हमारी जो एक अनहेल्दी डाइट है और जो हमारा बैड रूटीन है, इसकी वजह से आजकल बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो इस बीमारियों को आप खुद रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए और एक हेल्दी डाइट को फॉलो करिए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। बुढ़ापे तक आप एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। आप हमेशा डिजीज फ्री रह सकते हैं। तो आज हम आपको जो टिप्स बताएंगे, बस इन टिप्स को फॉलो करिए और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ फॉलो करिए। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है, 7 to 8 hours स्लीप, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब 7 से 8 घंटे की नींद क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा रिलैक्स देंगे, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी। आप रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सोइए, बस रात में 7 से 8 घंटे। अगर 7 से 8 घंटे नहीं पॉसिबल है, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो आप 6 घंटे से भी कम नींद मत लीजिए। क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा आप नींद लेंगे, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी, उतना ही अच्छे से फंक्शन भी करेगी। बॉडी का हर एक ऑर्गन हैप्पी और हेल्दी भी रहेगा, खासकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं, जिस दिन अगर आपकी कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन या 4 दिन नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे या 4 घंटे ही सो पाते हैं, आप अगले दिन खुद ही मॉर्निंग में नोटिस कर सकते हैं आपकी बॉडी कितना ज़्यादा इनएक्टिव फील करती है, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है। तो नींद अच्छी नहीं आती है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या रीज़न है आप वो खुद ही जान सकते हैं। मतलब सोने से पहले जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती, उनको अपने से दूर कर दीजिए। सोने के 1 घंटे पहले आपको ना तो मोबाइल टच करना है, ना तो लैपटॉप टच करना है, कुछ भी नहीं टच करना है। कोई भी स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के कांटेक्ट पे नहीं आना है। आप बुक रीड करके सो सकते हैं, या फिर आप जो है इधर उधर टहल के, मतलब वॉक करके, इवनिंग वॉक करके सो सकते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप कोई भी मतलब टेक्निक चीज़ें यूज़ करके, स्क्रीन वाली चीज़ें यूज़ करके सोएंगे, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। और एक चीज़, हल्दी वाला दूध पीकर सोइए, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छी नींद ले सकते हैं। तो बस कहने का मतलब ये है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, वो नहीं पॉसिबल है तो आप 6 घंटे की नींद लीजिए। इससे आप एक हेल्दी और एक लॉन्गर लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, मेंटेन अ हेल्दी वेट। वेट का मतलब आपका वेट उतना ही होना चाहिए, आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग उतना ही वेट भी होना चाहिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनसे क्या होता है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका, और आपको हार्ट अटैक आ सकता है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो सकती है, और भी बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, वेट गेन की वजह से, ज़्यादा वेट की वजह से। इसीलिए अगर आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखा, मैनेज करके रखेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसीलिए अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं, तो आप उसका यूज़ करके अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप वीडियो जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगला जो टिप्स है वो है मॉडरेट स्ट्रेस, मतलब आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, तो बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनके डिस्टर्ब होने की वजह से जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो बोल सकते हैं कि आपका धीरे धीरे जो वो ऑर्गन है वो डैमेज भी हो सकता है, और वो जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो उसका फंक्शन वो बॉडी में परफॉर्म नहीं हो पाएगा, और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस लेने से आपका डाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपका डाइजेशन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
नेक्स्ट इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। क्यों पीना है? बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। डिहाइड्रेटेड नहीं करना है अपनी बॉडी को, हाइड्रेटेड ही रखना है। और आपको जब स्वेटिंग प्रॉपरली होगी तो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। तो बॉडी को, होल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ही पीना है और रूम टेम्परेचर वाटर का यूज़ करना है। फ्रिज का पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए आपको रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो हेल्दी होना चाहिए, आपका जो लंच है वो हेल्दी होना चाहिए, आपका जो डिनर है वो लाइट और हेल्दी होना चाहिए। आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में आप किसी भी प्रकार किसी भी फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं या फिर उसका सैलड ले सकते हैं या फिर किसी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स को मिक्सअप कि उनका सैलड ले सकते हैं, मतलब कुछ भी खाइए लेकिन आपका जो डाइट हो, आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो कैसा हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, न्यूट्रिशन रिच हो। उसमें जितने भी मतलब आप जो भी कुछ खा रहे ब्रेकफास्ट में उसमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। और जो आपका लंच है वो भी न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। दाल चावल और मल्टीग्रेन की रोटी खाइए और साथ साथ में दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही जरूर खाइए। और उसके बाद रात का खाना कैसा होना चाहिए, एकदम लाइट होना चाहिए, एकदम हल्का होना चाहिए और 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। तब देखिए आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव रहेगा। इसीलिए अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बनाइए, तब जाके आप एक लॉन्गर और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। पूरे दिन में आप पूरे दिन बैठे रहते हैं या सोते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, उसके लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए। इसीलिए बॉडी को मूवमेंट कराइए, डेली मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। जाइए दौड़ने जाइए, वॉक पे जाइए और उसके बाद वहाँ से आने के बाद धूप में बैठ के योगा एक्सरसाइज करिए। अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फील करेगी। और आप जब सूरज की रोशनी में बैठ के योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे विटामिन डी जो आपको मिल रहा है वो तो बॉडी से मैक्सिमम ऑफ द डिजीज़ को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए डिजीज़ फ्री लाइफ को फॉलो करने के लिए दिन में 1 बार कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए और 1 घंटे धूप में बैठ के योगा एक्सरसाइज जरूर करना है ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सके। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड ऑल द बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट्स का क्या मतलब, जितनी भी गंदी आदतें होती हैं उन्हें छोड़ दीजिए। गंदी आदतों में सबसे पहला जो आ गया वो है अल्कोहल, शराब पीना छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। बॉडी में बहुत से ऐसे कैंसर के टाइप्स होते हैं, कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट अटैक आपको आ सकता है और भी ऐसी बहुत सारी बॉडी के अंदर डेंजरस डिजीज़ें होती हैं उनके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं, गंदी आदतों का मतलब, जैसे कि खाना खाने के बाद पानी मत पिया करिए, पानी पीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो सकता, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर का यूज़ करिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। और उसके बाद पहले मतलब नहा लीजिए उसके बाद खाना खाया करिए, ये नहीं खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या होगी, बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है और हमारे नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनको आपको क्या करना है, छोड़ देना है और एक गुड हैबिट्स को फॉलो करिए ताकि आप एक हैप्पी और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड द पैक्ड एंड बेकरी फूड आइटम्स। जो भी पैक्ड चीज़ें होती, आजकल हर चीज़ें पैक्ड मिल रही, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें पैक्ड मिल रही, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट मैदे से बना हुआ होता है। उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जो केमिकल मिक्स किया जाता है, वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जितनी भी पैक्ड चीज़ें होती, जो भी बेकरी फूड आइटम्स होते, उन्हें अवॉइड कर दीजिए, तब आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको हैप्पी भी रहना है, आप हेल्दी भी रह सकते हैं, बस
एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए और कम से कम बाहर की चीज़ें खाइए या तो छोड़ दीजिए खाना, और ऑयली चीज़ें भी खाना छोड़ दीजिए, बनाकर खाना तो घर पे खुद वो भी सरसों के तेल में बनाकर खाइए। तो अगर आपने इन सभी लाइफस्टाइल को फॉलो किया, आपको बुढ़ापे तक किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, तब जाकर आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रह सकते। अगर आपने इन सभी स्टेप को फॉलो किया तो इन सभी स्टेप को फॉलो करिए और एक हैप्पी एंड डिजीज फ्री लाइफ को फॉलो करिए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।